नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार अगर महिलाएं मासिक धर्म से होती हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं करती, लेकिन असम में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर मासिक धर्म के समय में भी महिलाएं मंदिर के अंदर जाती हैं। माँ कामाख्या देवी का यह मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भारत का बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर सत्य की देवी सती का मंदिर है। कामाख्या शक्तिपीठ चमत्कारों और रोचक तथ्यों से भरा पड़ा है। वैसे तो इस शहर में घूमने और देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपने यहाँ का रहस्यमय कामाख्या मंदिर नहीं देखा और उसके दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। देवी के रजस्वला होने के दौरान प्रतिमा के आसपास सफेद कपड़ा बिछाया जाता है। 3 दिनों बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो वह वस्त्र लाल हो जाता है और बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और इसकी गिनती सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में की जाती है। गुवाहाटी से 7 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल की पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर के अलावा 10 महाविद्या को समर्पित मंदिर भी है। दोस्तों, यहाँ मंदिर में देवी सती की कोई मूर्ति नहीं है। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ आपको देवी के मंदिर के अंदर योनि नुमा संरचना दिखेगी। इस संरचना को देवी सती की योनि के रूप में पूजा जाता है। कामाख्या देवी को बहते हुए खून की देवी भी कहते हैं। यहाँ देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भ में रखा गया है, जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रवाह होता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस दौरान देवी अपनी मासिक चक्र में होती है और यहाँ स्थित ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। देवी के मासिक चक्र के समय यह मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है। ब्रह्मपुत्र नदी के लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों में बांटा जाता है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी का मुख्य धार्मिक स्थल है। कहते हैं कि यह मंदिर तांत्रिक देवी को समर्पित है। इस मंदिर में आपको मुख्य देवी कामाख्या के अलावा देवी काली के अन्य 10 रूप भी देखने को मिलेंगे। यह मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है और इस मंदिर का अपना ही तांत्रिक महत्व है। इस मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।